subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर बंद हुआ है 58,175 पे, लगभग 700 रुपए के लॉस के साथ 1.1%. तो यहाँ क्लियरली आप डाइवर्जेंस देख सकते हो. गोल्ड 3% ऊपर बंद हुआ है, सिल्वर लगभग 1.5% नीचे बंद हुआ है. और यहाँ जो मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म करेक्शन में जा रहा है सिल्वर, वो ऑलरेडी देख रहे हैं. मेरा जो टारगेट था 58,500 का, वो अचीव हो चुका है. नेक्स्ट टारगेट अभी 55,000, उसके नीचे जाता है तो 48,000 का आपको भी टारगेट देखने को मिल सकता है. अभी जो है तो मेजर सपोर्ट लेवल है 55,000 के अराउंड. अगर उस लेवल पे सिल्वर आता है तो आपको वेट एंड वॉच करना है. वहाँ से अगर रिवर्सल मूव आई तो वो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और जिसका टारगेट आपको 1 से 1.5 लाख रुपये मिल सकता है नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में. तो जैसे मैंने कहा था, वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं करेक्टिव पैटर्न्स. मंथ की शुरुआत हमने नेगेटिव में की है, और जो शायद मुझे लगता है कि मंथ के साथ जो है तो और भी नेगेटिव में जाएगी. हो सकता है कि हम 48,000-49,000 के लेवल भी इस महीने देख सकते हैं. यहाँ जो है तो लास्ट महीने हमने सिल्वर में लगभग 3.5% का लॉस देखा, उससे पहले जो है तो लगभग 5%, और उससे पहले जो है तो लगभग 5%. तो ऑलरेडी 10 से 13% जो है तो ऑलरेडी डाउन है, और ये कंटिन्यू हो सकता है ऑन मंथली चार्ट. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि सिल्वर एज एक्सपेक्टेड 55,000 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है. यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे 55,000-56,000 ये मेजर सपोर्ट जोन रहेगा. अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो आपको एक लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये की रैली मिल सकती है, जो सिल्वर को लेकर जा सकती है 63-65 के लेवल की तरफ. तो आपको क्लोजली वॉच करना है 55,000-56,000 के लेवल. अगर वो ब्रेक होते हैं तो आपको फास्टली 48,000-49,000 के लेवल सिल्वर में भी आते हुए देखेंगे. अगर ये ब्रेक कर देता है सिल्वर तो आपको एक अच्छी सी शॉर्ट मूव भी मिल सकती है, जिसका टारगेट रहेगा 48,000-49,000. तो उस लेवल से भी आपको 5,000-6,000 का प्रॉफिट हो सकता है अगर आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हो. और रिवर्सल पे आपको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये का भी प्रॉफिट मिल सकता है इन मीडियम टर्म. और यहाँ जैसे मैंने कहा था कि यहाँ हम करेक्शन में जाने वाले, वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं. इस हफ्ते हमने सिल्वर में लगभग 2.5% का लॉस देखा है, लगभग 1600 रुपये नीचे बंद हुआ है. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ क्लियरली जो टारगेट्स है डेली चार्ट पे जो पीवोट्स है वो 55,000 के अराउंड दिख रहा है. तो यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि सिल्वर जो है तो 55,000 का लेवल टच करेगा या 55,500 का, और वहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है सिल्वर में. अगर 55,000 के नीचे जाते हैं तो आपको एक कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बड़े चार्ट पे 200 वीक का एवरेज है. अगर वो टूटता है तो आपको 48-49 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं. और 55,000 के लेवल से रिवर्सल आता है तो जैसे मैंने कहा आपको जो है तो 63-62 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बाउंस बैक आने की ज़्यादा संभावना है, तो आपको 55,000 पे अलर्ट रहना है और वहाँ बाइंग के मौके ढूंढने हैं. करंटली यहाँ सेल ऑन राइज रहेगा. आपका जो टारगेट रहेगा फाइनल वो 55,000-56,000 के बीच में आपको सेफली बुक करना है. जिन्होंने ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे शॉर्ट बनाए हैं उन्हें सलाह रहेगी कि ट्रेल कीजिए, या वोलेटिलिटी एट पीक रहेगी. यहाँ जो है तो मैं पोजिशनल शॉर्ट कैरी करना चाहूँगा, मगर बाउंस बैक पे आपको शॉर्ट करना है मार्केट को, और आपका जो टारगेट रहेगा वो 55,000-56,000 पे रहेगा. यहाँ ऊपर जो है तो फ्रेश शॉर्टिंग के जो मौके हैं वो 59,000-59,500 के अराउंड बोलेंगे. आपका स्टॉप लॉस 60,500 का होना चाहिए, और जो टारगेट है मेरा टारगेट रहेगा पहला टारगेट 56,000, और उसके बाद में 55,500 का टारगेट एज अ पोजिशनली लेकर चल सकते हो. सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरे साथ श्योर शॉट कम्युनिटी कॉल्स में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरा प्रीमियम सर्विस है, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.